हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है संडे और मैं निकल चुकी हूँ, और आज है संत मोनिका परब, मम्मियों का त्यौहार। तो सभी माताओं को मेरी ओर से जय जू खुश आयो परब। तो अभी तो निकल गई हूँ मैं, और दीदी के पास ही जाऊँगी, फिर वहाँ से चर्च जाएंगे होगा। तो चलते हैं और देखते हैं आज का सफ़र और आज का दिन कैसे रहता है। और पिछले संडे को तो मैं नहीं निकली थी, क्योंकि जो भैया हैं वो छुट्टी लिए थे, तो मैं नहीं निकली थी पिछले संडे को। तो आज मैं जा रही हूँ पूरे दो हफ्ते के बाद में, तो बने रहिएगा सर। और चलते हैं और बाबू का रिएक्शन देखते हैं। आज मैं बाबू के लिए ना कुछ लेके जा रही हूँ, आप सबको पहुँच के दिखाऊँगी, अभी नहीं निकालती हूँ। तो देखते हैं बाबू का क्या रिएक्शन होता है, मैं आप सबको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी ना बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बात करता है, बताओ नहीं हो गया है, हमने कलर डूब जाने पता है। तो चलते हैं बाबू के पास में। तो मैं ट्रेन से उतर के बस में बैठ गई और मैं सबसे आगे बैठी हूँ, सबसे ऊंचा वाला। तो जुहू के लिए बस मिल चुका है, तभी जाएंगे जुहू। क्या है? क्या है? तो बाबू का रिएक्शन देखिएगा ना, उसी में दे रही हूँ, उसके लिए जो लाई हूँ वो लूट रहा है। क्या है बाबू के लिए? क्या है? क्या है बाबू के लिए? क्या लाई है मौसी? ये लाई है। कैसे है बाबू? वो तो मकान एकदम आते के साथ झोला था बढ़ रहा है। क्या है? ये है, लो बाबू। अच्छे से गुगू चुकल दो, गुगू चु। यहाँ रखते हैं, यहाँ चलो पैर को वो करो, हाँ यहाँ रखते हैं, यहाँ रखो बोया। उसको सटाएगा तब तो, हाँ चलो अब उसको पूछ को पकड़ो, गुगू चु चु पाड़ू चु। बाबू गुगू चु कर रहा है हाथी को। मैं ना जाने के लिए पूरा तैयार हो गई थी, पूरा तैयार हो गई थी, एकदम मस्त जॉगिंग करके। तो पूरा बारिश, इतना बारिश कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं निकलूँ घर के, इतना बारिश। और पूरा मौसम ना काला हो गया, पूरा अंधेला अंधेला लग रहा है। तो चर्च जाऊंगी करके तैयार हो गई थी, खाना वीना खा के, फिर से इतना बारिश की फिर हिम्मत ही नहीं हुआ। और मैं होशियारी मार के ना आज बिल्डिंग से छापा भी लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि उधर से चर्च जाती, चर्च से डायरेक्ट अपने काम पे। तो फिर निकलने के लिए बना ही नहीं, जा ही नहीं पाई। तो बैठी हूँ, अभी बज रहा है 5:15। अभी बज रहा है 5:15 और मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। थोड़ा बहुत तो ब्लॉग कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए क्या करूँ यही सोच रही हूँ। देखती हूँ, थोड़ी देर चौपाटी जाऊँगी, आप लोगों को चौपाटी का सैर कराऊँगी, देखते हैं क्या करती हूँ, जा पाती हूँ कि नहीं या कहाँ जाती है। और यहाँ पे एक प्यारा सा खरगोश आ गया है, जो कि हमेशा घूमते रहते हैं, और इसको ना कोई उठा के भी नहीं लेते। देखो गांव में होता था कभी तक कौन उठा के लिए ले गए रहते, पता ही नहीं चलता। ओए आजा आजा आजा, तो आज दीदी और बाबू भी कहीं नहीं गए, दीदी लोग भी आराम कर रहे हैं, और मैं भी पूरा सो गई थी, पूरा एक दो घंटा एकदम मजे से सोई हूँ। बारिश उठ उठ के बीच में देख रही थी कि थोड़ा बहुत ही बारिश कम होगा तो जाऊंगी करके, लेकिन बारिश कम ही नहीं हुआ तो मैं नहीं गई। और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कितना अच्छे से सोच के आई थी कि आज मैं जाऊंगी करके। मैं लाती हूँ हाथी को, पकड़ के सोया है, उसको भी सुलाया है अपने पास। बाबू भी ना बहुत क्यूट क्यूट हरकत करता है। इतना बारिश ना कि लगता है आज मैं बिल्डिंग में नहीं जा पाऊंगी।
बहुत ज़्यादा। फिर से 5:30 बज गया है, निकलूंगी बोर्ड हुई थी और तैयार हो गई तो फिर से बारिश यार। ऐसे में जाऊँ भी तो कहाँ घूमने के लिए जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँगी लगता है, डायरेक्ट बिल्डिंग जाऊँगी। 6 बजे तक देखती हूँ, यही हालत रहा तो क्या करती पता नहीं। तो आज का मेरा पूरा दिन बेकार गया। ठीक चर्ची जाऊँगी, ये बोल रही थी इसी टाइम बारिश हो जिसकी वजह से नहीं जा पाई। अभी जाकर थोड़ा सा बारिश कम हुआ तो मैं थोड़ा सा ग्रैंड रोड मार्केट में घुस रही हूँ। बाकी साइड तो जितना भी जगह गई बस बारिश से बारिश, उसके वजह से नहीं जा पाई। देखते हैं कुछ कुछ मिलेगा तो। यहाँ पे तो जितना हो सके भाजी वीजी ही मिलता है। तो वो दीदी के पास ना साड़ी कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो मैं वही थोड़ा देखने के लिए गई थी कि अभी है कि नहीं है, क्योंकि गांव जाने के टाइम में पूरा जितना भी मेरे को लेना था साड़ी वगैरह सारा उन्हीं के पास से ली थी। तो अभी भी देखने के लिए गई थी कि है कि नहीं है करके। तो है अभी दीदी के पास में साड़ी वगैरह, अच्छा अच्छा ही लगा मेरे को। जब लेना होगा तो जाऊँगी, बस यूँ ही देखने के लिए गई थी और ठीक ठाक प्राइस के थे। तो दीदी के पास में ठीक ठाक प्राइस का मिल जाता है। अभी भी देखी मैं साड़ी, उतना अच्छा हैवी लग रहा है लेकिन उसका भी प्राइस कम ही है, जैसे कि 800 से स्टार्टिंग। और जो भी साड़ी देख रहे हैं ना वो सारा 800 और उससे कम का भी, बाकी कम करने के लिए बोलेंगे तो कम भी कर देते हैं। तो अच्छा लगता है मेरे को यहाँ का साड़ी, मुंबई में बस यही दीदी का साड़ी ही अच्छा लगता है मेरे को, नहीं तो और किधर तो नहीं समझ में आता है। तो आज मैं जल्दी आ गई हूँ इसलिए पैदल जा रही हूँ, क्या करूँगी। 7:30 बजे तक पहुँचना है करके, 7:30 बजे तक पहुँचना है और मैं 7 बजे ही पहुँच गई हूँ स्टेशन, तो पैदल जा रही हूँ। चलो पैदल यात्रा। और आज ना बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ, मैं कितना मन से दिल से सोच के आई थी कि मेरे को जाना है करके चर्च, और मैं तैयार भी हो गई थी लेकिन बारिश, क्या ही बोलूं। बाकी कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ पैदल पैदल, बहुत दिन के बाद। नहीं तो हमेशा आजकल तो बस को जान गई हूँ ना, तो बस में ही जाना आना होता है। पहले बस नहीं जानती थी ना तो टैक्सी में ही आना जाना करती थी या तो पैदल ही आ जाती थी। ये तो बस जानी हो ना तो यहाँ से 5 रुपये लगता है, तो बसे में जाना आना करती हूँ। और टैक्सी में यहाँ से जाऊँ ना स्टेशन तो 50 या 60 रुपये बैठ जाता है। तो आजकल तो बस जान गई हूँ तो बसे में जाती हूँ, और पैदल भी जाना नहीं होता है। तो आज बहुत दिन के बाद मैं पैदल जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा, पसीना पसीना भी हो गई। तो चलते हैं, और दीदी भी भाजी वीजी लाने बोली है, पता नहीं मिलता है कि नहीं, मिलता है तो ले दूँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं ले दूँगी। थक गई लेकिन बुरे तरीके से। और यहाँ पे अंबानी बिल्डिंग की ओर से होते हुए हम चले घर, यहाँ पे है यहाँ। तो मैं बिल्डिंग पहुँच गई और दीदी से मिली, और दीदी बहुत दिन के बाद आप लोग को दिख रही है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग को यही ख़त्म करते हैं, आगे कुछ दिखाने को नहीं है। तो चलिए मिलते हैं लास्ट।